नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको गेहूं की दो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों के बारे में जानकारी देंगे। इन वैरायटियों में से किसी भी एक वैरायटी को अगर आप किसान साथियों लगा लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा उत्पादन गेहूँ की फसल से मिलेगा। दोनों ही वैरायटियों के बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जानेंगे वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार की आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, जो हमारी सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली पहली वैरायटी है, इसका नाम है DVW 303। DVW 303 वैरायटी को करण वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है, और यह गेहूं की वैरायटी किसान साथियों सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली गेहूं की वैरायटियों में सबसे पहले नंबर पर आती है। DVW 303 वैरायटी को 2 साल पहले ही कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था, तब से लेकर अब तक यह वैरायटी किसानों की पसंदीदा वैरायटी बन चुकी है। चलिए जानते हैं इस वैरायटी में क्या क्या खासियत हैं। पहली खासियत तो किसान साथियों इस वैरायटी में है कि इसमें कोई भी रोग नहीं लगता है, और दूसरी खासियत इसमें है कि यह भारत के जितने भी गेहूं उत्पादन राज्य हैं उन सभी में यह वैरायटी लगाई जा सकती है, और इस वैरायटी में किसान साथियों गिरने की समस्या भी नहीं आती है। इस वैरायटी की जो बाली होती है काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। इसके बीज की मात्रा की बात करें तो आपको 40 से 45 kg लेना है 1 एकड़ खेत के लिए, यानी 2 बीघा में आप 40 से 45 kg बीज डालिएगा। DVW 303 जो वैरायटी है किसान साथियों यह बहुत ही ज़्यादा फुटाव करती है। यह किस्म किसान साथियों सिंचित इलाकों के लिए है, यानी आपके पास अगर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तभी आप इसका बुवाई करिएगा, क्योंकि इसमें आपको 5 से लेकर 6 पानी लगाने पड़ेंगे तभी इसका पूरा उत्पादन आपको मिलेगा। और इसकी बुवाई भी आपको अगेती करनी है, अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से लेकर आप 15 नवम्बर तक इसकी बुवाई कर सकते हैं। और सिंचाई के साथ साथ किसान साथियों इस वैरायटी में आपको खाद उर्वरक भी ज़्यादा डालने पड़ेंगे, यानी कि सामान्यतः आप अपने गेहूं की फसल को जो खाद उर्वरक देते हैं उससे 1.5 गुना इस वैरायटी को आपको देने पड़ेंगे, तभी आपको इसका उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर मिलेगा। फाइनली इसके उत्पादन की बात करें तो किसान साथियों 97 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने की क्षमता इस वैरायटी की है। अगर आप सही समय पर इस वैरायटी की बुवाई करते हैं और खाद उर्वरक भी आप इसको ज़्यादा डालते हैं और सिंचाई भी समय पर करते हैं तो यह वैरायटी आपको बहुत ही ज़्यादा उत्पादन निकाल करके दे सकती है। इस वैरायटी की टक्कर में इतना उत्पादन और कोई सी वैरायटी नहीं दे सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर की वैरायटी की। दूसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है किसान साथियों यह है श्रीराम सुपर 303 वैरायटी। यह भी ऑलराउंडर वैरायटी है किसान साथियों। DVW 303 की तरह ही है वैरायटी भी आपको बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। यह मध्यम अवधि की वैरायटी है, लगभग 130 से 140 दिन में यह वैरायटी पक कर के तैयार हो जाती है। इसकी रोटियां खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं और बाज़ार भाव भी इस वैरायटी का आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि इस वैरायटी का जो दाना होता है वह चमकदार होता है। इस वैरायटी की बुवाई भी आप 15 नवंबर तक कर सकते हैं। बीज की मात्रा की बात करें तो आपको 40 से 45 kg बीज लगेगा 1 एकड़ खेत के लिए, और इसमें सिंचाई की बात करें तो आपको 4 से 6 सिंचाइयाँ करनी पड़ सकती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो यह वैरायटी में भी कोई रोग नहीं लगता है। यह रोग मुक्त वैरायटी है और यह वैरायटी ज़मीन पर भी नहीं गिरती है। इसकी हाइट भी मध्यम होती है। कल्लों की फुटाव की बात करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कल्लों का फुटाव होता है, और जैसे कि हमने कहा है ऑलराउंडर वैरायटी है। अगर आप इसकी पिछेती बुवाई भी करना चाहें तो आप पिछेती बुवाई भी कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा उत्पादन में फ़र्क देखने को मिल सकता है। और किसान साथियों इसकी बुवाई आप महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में आप इस वैरायटी की बुवाई कर सकते हैं। श्रीराम सुपर 303 वैरायटी की भी जो बाली होती है वह काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। इसके 1000 बीज के दानों का वजन 40 से 50 ग्राम होता है। इसके 40 किलो सीड्स की कीमत की बात करें तो आपको बाज़ार में है 2600 से लेकर 3000 रुपये तक मिल सकता है। इन दोनों ही वैरायटियों की लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी आपको 18 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। और किसान साथियों श्रीराम सुपर 303 वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो आपको यह वैरायटी 22 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है। यह दोनों ही वैरायटियां किसान साथियों बेस्ट हैं, आप इनमें से कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। और किसान साथियों अगर आप गेहूं की कोई भी अन्य वैरायटी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको तुरंत
जवाब देने की कोशिश करेंगे और गेहूं एवं आपकी सभी अन्य फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।